गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मायके की सुबह, और मायके की सुबह बहुत अच्छी लगती है यार। मतलब कोई काम वाम नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठना, आराम से उठना, आराम से सोना, कुछ भी काम नहीं रहता है। और बस यहाँ पर नई भाभी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, तो वही चल रहा है। मामा उसे परेशान कर रहा है अद्विक को, और मामी उसे बचा रही है क्योंकि मामी का बहुत ज़्यादा लाडला है वो, और मामा उसे ऐसे ही परेशान करता है हमेशा। तो अभी मामी अच्छी हो गई है और मामा बुरा हो गया है उसके लिए। तो हम जब भी उसको पूछते हैं कि कौन अच्छा है, मामा अच्छा है या मामी अच्छी है, तो बोलता है कि मामी अच्छी है, मामा अच्छा नहीं है, मामा गंदे हैं अब। तो जैसे ही पामा की शादी हो गई, मामी ने क्रेडिट ले लिया पूरा, और मामा गंदे हो गए और मामी अच्छी हो गई है। तो बस यहाँ पर सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, और हम लोगों ने चाय वगैरह भी ले ली थी। सेकंड जो चाय होती है हमारे ब्रेकफास्ट के बाद की जो चाय होती है वो भी ले ली थी, बट ये लेट उठा था मेरा भाई, तो उसकी चाय और उसका नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। मेरे मायके का रूटीन तो बहुत ही अलग है मेरे घर से। मतलब यहाँ पर सभी लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं यार। मेरी मम्मी और पापा तो बहुत ही जल्दी उठते हैं, जैसे कि 4 या 5 बजे ही उठ जाते हैं। मेरी नई भाभी को भी वैसी ही आदत है, वो भी बहुत ही जल्दी उठती है। कितने भी लेट सो लेकिन बहुत जल्दी उठ जाती है वो भी, 6 बजे उसका ऊपर का सारा काम ख़त्म करके नीचे आ जाती है, इसीलिए सुबह का सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। हाय गाइज, आज मैं आपको बिनोमो के बारे में बताने वाली हूँ, जो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। और हाँ, इसमें आपको 2021 में कोई भी पैसे डिपॉजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप प्रीमियम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको टूर्नामेंट सेक्शन में जाना है और अपने डेमो अकाउंट से ट्रेड करना है, और इसमें आप 800 से 2 लाख तक के कैश डिपॉजिट कर सकते हो। और हाँ, बिनोमो एक ऐसा ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जो एक और अपॉर्चुनिटी ला रहा है जिससे आप और इनकम कर पाओगे, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी टूर्नामेंट होने वाली है। सिर्फ आपको करना क्या है, 15 जनवरी से पहले आपको अपने रियल अकाउंट या डेमो अकाउंट से साइन अप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके जल्दी से साइन अप कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मेरे टाइटल पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। और आपके लिए एक गुड न्यूज है, अगर आप मेरा साइन अप करते टाइम प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस। बस डेमो अकाउंट में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप सीख जाओगे कि स्टॉक कैसे अप या डाउन होता है, उसके बाद आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे। उसी टाइम फ्रेम में अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप जीत सकते हो 90% अपनी इन्वेस्टमेंट का। और अब आपका सवाल ये होगा कि ये पैसे विड्रॉल कैसे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इन पैसों को विड्रॉल करना बहुत ज़्यादा इजी है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये विड्रॉल कैसे होंगे पैसे। आप इन पैसों को विड्रॉल कर सकते हो पेटीएम के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी तरीका है इन पैसों को विड्रॉल करने का। आप ज़्यादा मत सोचिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और प्रोमो कोड दिया है, जल्दी से रजिस्टर कीजिए और अपनी 2021 की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। मम्मा, आप बाल काटने से पहले मामी के बाल दिखा दो ना। एक मिनट, ये देखिए इसके बाल कितने ज्यादा लंबे हैं, और इसके बाल मैं अभी काटने वाली हूँ, है ना, काटू ना क्योंकि थोड़े थोड़े, क्योंकि ये नीचे से ना ऐसे थोड़े से घास जैसे हो गए हैं, तो इसी वजह से। और इतने ज्यादा लंबे बाल यार, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बाल इतने लंबे हो, लेकिन मेरे बाल हो ही नहीं रहे इतने लंबे। तो चलो कोई बात नहीं, अभी इसके बाल काट देती हूँ, थोड़े थोड़े काटती हूँ लेकिन अच्छे से काटूंगी, देख लेना आप। अभी यहाँ पर दीपाली के बाल काटने से पहले मैं टैंगल्स को उसके बालों से रिमूव कर रही हूँ, और उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे हैं ना यार कि आपको क्या बताओ। मतलब और घने भी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उसके बाल। और यहाँ पर मैं उसको पूछ रही थी कि यहाँ से काटू क्या, वो टेंशन में आ गई थी कि सच में काटने वाली है क्या। मैंने फिर उसको बोला कि नहीं नहीं छोटे थोड़े थोड़े काटूंगी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा बाल पसंद है उसके, और उसने इतनी मेहनत से बढ़ाया है तो कैसे काट सकती हूँ। मैंने उसके थोड़े थोड़े नीचे नीचे से ही काटे बाल। और अगर आप नीचे से बाल नहीं काटते हो ना हमेशा हमेशा, तो बालों की ग्रोथ भी थम जाती है, तो इसी वजह से नीचे से बाल काटने भी चाहिए। जैसे कि नीचे नीचे से स्प्लिटेंस वगैरह हो जाते हैं, तो उसी की वजह से बालों की ग्रोथ थम जाती है, तो बाल हमेशा हमेशा नीचे से काटते रहने चाहिए। और यहाँ पर उसने ना, उसको एक्चुअली आदत नहीं है काटने की बाल, इसी वजह से इतने ज़्यादा बढ़ गया है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उसने शादी में आर्टिफिशियल चोटी लगाई थी क्या, तो नहीं डियर, आर्टिफिशियल चोटी नहीं लगाई थी, उसके रियल बाल थे वो, और रिसेप्शन में भी उसके रियल ही बाल थे, तो उसने सिर्फ कर्ल किए थे रिसेप्शन में, और शादी में उसने जूड़ा बनाया था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था उस पर, उसके आर्टिफिशियल बाल नहीं थे, उसके रियल बाल थे।
और उसने शादी के टाइम भी नहीं काटे, आप सोचो बाल उस टाइम भी नहीं काटे उसने, बट बहुत अच्छे घने बाल है उसके, इसी वजह से मन नहीं करता है काटने का, उसका भी नहीं और मेरा भी मन नहीं कर रहा था काटने का, बट उसको मैंने बोला कि नीचे नीचे से काटते जाया करो, कुछ दिनों के बाद उसकी ग्रोथ थम जाएगी, तो इसी वजह से उसने बोला कि यदि आप ही काट दो, मैं पार्लर नहीं जाने वाली हूँ। वो एक्चुअली डर रही थी पार्लर जाने के लिए, बोल रही थी कि अगर पार्लर जाते हैं तो थोड़ा सा कम बोलते हैं फिर भी ज़्यादा काट देते हैं वो, तो इसी वजह से मैं पार्लर जाती नहीं हूँ बाल काटने के लिए, तो आपको आता है तो आप काट दो, तो मैंने उसके वैसे काट दिए और स्ट्रेट काट दिए थे, तो अभी जब बढ़ेंगे ना तो अच्छे लगेंगे उसके, एक्चुअली थोड़े से कर्ली से है, एकदम स्ट्रेट नहीं है बाल, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है काटने के बाद भी, बट इतने इतने काटे थे मैंने, वैसे स्ट्रेट काटे थे, तो इसी वजह से वो क्लचर वगैरह लगाने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। आपको बाद में वो क्लचर वगैरह लगा के दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे लग रहा है बाल। तो यहाँ पर मेरा काटना हो गया है बाल और आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वैसे मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, उसको भी पसंद आए, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ज़्यादा नहीं काटे हैं मैंने, नहीं तो और चिल्लाने लगती वो, उसको टेंशन आ गया था वैसे कि कितने काटने वाली है, तो वैसे ही उसको टेंशन आ गया है। देखो यहाँ पर वो अपने बाल देख रही है, तो क्योंकि उसने काटे ही नहीं है बोलते हैं कभी बाल, इसी वजह से यहाँ पर उसने इतने बाल देखे उसके, तो उसको टेंशन आ गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी बाल तो काटना हो गया है, तो हमें जाना था मामा की सगाई में, नेक्स्ट डे मेरी मामा की सगाई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा क्लीन अप वगैरह कर लो, तो यहाँ पर मैं उसको क्लीन अप वगैरह करके दे रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादा पार्लर नहीं जाती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, ना तो थ्रेडिंग के लिए जाती हूँ, ना तो फेशियल के लिए जाती हूँ, ना किसी भी चीज़ के लिए वैक्सिंग वगैरह के लिए नहीं जाती हूँ मैं पार्लर, और ख़ुद को आता है तो पार्लर में पैसे कमाने की मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में वेस्ट जाते हैं वो पैसे हमारे, तो इसीलिए जब आता है तो घर पे ही करो और नहीं आता है तो सीखो, बट फिर भी घर पे ही करो। और मेरे जो पैसे हो जाते होंगे बालों के लिए, मतलब हेयर कट के लिए जाते होंगे बाहर, क्योंकि खुद से खुद की नहीं आती है हेयर कट करना, और उसके बाद हेयर कलर वगैरह का मुझे बहुत शौक है, कभी कभी मैं घर पे कर लेती हूँ, ज़्यादातर मैं घर पे ही करती हूँ। और ये जैसे मैंने ये ओम्ब्रे किए थे, तो गोल्डन ओम्ब्रे, तो उस टाइम मेरे बालों के लिए पैसे गए थे बाहर, बस थोड़े से ही मेरे जो पैसे हैं वो बाहर जाते हैं, स्मूदनिंग के लिए गए थे, तो इसका मुझे शौक है, जिसका शौक है वो करो अपने लिए, अगर शौक है अच्छा लगता है आपको तो उसके लिए, अगर आप थोड़े से बाहर पैसे कमाते हो तो ठीक है, लेकिन जो घर पे कर सकते हो आप कोशिश करो कि वो घर पे ही करो, और नहीं आता है तो यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखो। मुझे भी अगर आप पहले से फॉलो करते हो तो काफ़ी सारे टिप्स मैं बताती रहती हूँ अपने चैनल पे, पेडिक्योर मैनीक्योर के बारे में बताती रहती हूँ, फेशियल के बारे में, घर पे कैसे किया जाता है वो बताती रहती हूँ। पिछली बार जब ये चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम पार्लर्स बंद थे, तो मैंने थ्रेडिंग भी घर पे करना सिखाया था आप लोगों को, तो आपने अगर ब्लॉग चेक किए होंगे तो आपको पता होगा, काफ़ी सारे मैं भी अपने चैनल पर टिप्स देती रहती हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, घर पे ही आप कर सकते हो। मैं करती हूँ तो अब मैं आपके साथ पक्का शेयर करती हूँ, जिस दिन मैं करती हूँ कोई भी चीज़ तो मैं आपके साथ उस दिन पक्का शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर वही चल रहा है, फेशियल करके दे रही हूँ उसे, फेशियल मीन्स क्लीनअप ही करके दे रही हूँ, ज़्यादा फेशियल में ज़्यादा स्टेप होते हैं, क्लीनअप आप बोलोगे अभी क्लीनअप क्या है और फेशियल क्या है, तो फेशियल में बहुत ज़्यादा स्टेप होते हैं, जिनको पता है उनके लिए नहीं बता रही हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, नहीं तो आप नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हो एकदम से कि हमें क्या पता नहीं है, कि सबको नहीं पता रहता है डियर, इसी वजह से बताती रहती हूँ कि क्लीनअप में कम स्टेप होते हैं और फेशियल में ज़्यादा स्टेप होते हैं, तो इसी वजह से जो कम स्टेप वाला है, मतलब थोड़े से स्टेप होते हैं जिसमें, तो उसको क्लीनअप बोला जाता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में किया जाता है जो, वो फेशियल होता है। तो बस यहाँ पर क्लीनअप कर रही हूँ, क्योंकि फेशियल तो उसने ऑलरेडी शादी में किया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा ही उसको ऐसा लग रहा था कि टैन हो गई है, तो इसीलिए मैं वो करके दे रही हूँ उसे, यहाँ पर उसका फेशियल हो जाएगा, उसके बाद मैं हम लोग नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर बन रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने ब्रेड पिज़्ज़ा भी बनाया है, तो यहाँ पर वही बन रहा है, ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहा है, तो उस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो उसी का सामान था बचा हुआ, तो उसका ही ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया, और ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए ये सारा सामान निकाल के रखा है, ब्रेड है और उसके बाद ये टॉपिंग है, पिज़्ज़ा टॉपिंग जिसे पिज़्ज़ा सॉस भी बोलते हैं, तो ये डॉक्टर ओटकर का है पिज़्ज़ा टॉपिंग, मतलब पिज़्ज़ा सॉस, और यहाँ पर ये
कैप्सिकम भी चॉप करके रखा है, ऑनियन चॉप करके रखा है, उसके बाद टोमेटो चॉप करके रखा है। तो ये मैं थोड़ा सा बारीक चॉप करती हूँ। उसके बाद ना इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके टॉपिंग है वो ब्रेड के ऊपर डालनी होती है। तो यहाँ पर प्याज और क्या बोलते हैं शिमला मिर्च काट के रखी है। उसके बाद यहाँ पर टोमेटो उसमें ऐड होगा, उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड होगा और ये जाएगा ब्रेड के ऊपर, सॉस लगाया जाएगा उसके ऊपर, फिर ये टॉपिंग जाएगी। और ये बारीक इसलिए चॉप करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पकने में टाइम कम लेता है इसीलिए, तो इसीलिए ये बारीक चॉप कर लेती हूँ मैं। और ये भी टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बारीक चॉप किया हुआ रहता है ना तो बच्चे खा लेते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप बड़े बड़े चॉप करके वो डालते हो ना तो बच्चे निकाल देते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है वेजिटेबल डालने का। तो ऐसे करके अगर डालोगे तो बच्चों को खिलाना भी हो जाएगा, उसके साथ साथ टेस्टी भी लगेगा। तो मैं तो हमेशा ऐसी ट्रिक आजमाती हूँ क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं, निकाल के रख देते हैं साइड में, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। तो बच्चे आराम से चाव से खाते हैं फिर। और यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, सारा टॉपिंग रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेड लूँगी, उसके बाद उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊँगी, और पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद उस पर मैं वो जो मैंने वेजिटेबल काट के रखे हैं वो लगाऊँगी, अच्छे से स्प्रेड करूँगी। उसके बाद अपना जो चीज़ है वो जो वहाँ पर ग्रेट करके रखा है तो वो चीज़ स्प्रेड करूँगी। तो ये हो गया हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा, ये आप तवे पर भी रख सकते हो, और आपके यहाँ पर अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में रखो, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे तवे पर भी रख सकते हो और आपका ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है माइक्रोवेव होना ही चाहिए, आजकल विदाउट माइक्रोवेव भी पिज़्ज़ा बनने लगे, तो इसी वजह से माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। बस यहाँ पर मैं लगा दूँगी, और मैंने कुछ ना तवे पर भी सेके थे और कुछ मैंने माइक्रोवेव में भी रखे थे क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना था, और एक बार खाने के लिए बैठ जाते हैं ना सब तो इतनी जल्दी जल्दी मांगते हैं, और ब्रेड पिज़्ज़ा इतने छोटे छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं खाने के लिए, दो तीन मतलब निवालों में ही हो जाता है ब्रेड पिज़्ज़ा ख़त्म। तो इसीलिए मैंने दो जगह पे सेके थे, मतलब एक माइक्रोवेव में सेके थे और एक तवे पर सेके थे कुछ, तो ऐसे करके मैंने कर लिया था। तो बस यहाँ पर सब रेडी हो गया है, इसके बाद अभी ऐसे स्प्रेड करूँगी और इसके बाद ऊपर से मैं मोज़रेला चीज़ डालूँगी, तो बहुत टेस्टी बने थे, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बना के देखना, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। इससे पहले भी मैंने लॉकडाउन में ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, बट किसी ने नहीं देखी होगी, नहीं आपको पता होगा, तो अभी देख लीजिए, अभी आपको रेसिपी पता चल जाएगी, तो आप बना के देख सकते हो। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी, और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खाएंगे चाव से, आप भी खाओगे, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर बना के देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। और बस यहाँ पर हम लोग ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेंगे, और कुछ मैंने उधर भी रखे थे तो कुछ इधर भी रखे थे, तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे लेकिन खाने के लिए ना दोनों जगह के कम पड़ रहे थे, तो दीपाली भी हेल्प कर रही थी मेरी जल्दी जल्दी करने में। तो यहाँ पर भाई आपको खिला रहा है, देखो पिज़्ज़ा आपको खिला रहा है, ब्रेड पिज़्ज़ा। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि टेस्ट तो कराओ मेरे सब्सक्राइबर्स को या मेरे व्यूवर्स को, तो वो आपको खिला रहा है ये, और आप भी खा लीजिए, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, उसके बाद हम लोगों का खाना वगैरह हो गया, और उसने बोला कि आपने मुझे करके दिया है तो मैं आपको करके दूँगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हमें जाना था मामा की सगाई में, तो इसी वजह से यहाँ पर वही चल रहा है, थोड़ा सा क्लीनअप वो भी करके दे रही है मुझे। और शादी के टाइम पे तो आपको पता ही है कि मैंने क्या क्या किया था, खुद से ही किया था, मैं पार्लर नहीं गई थी, खुद से ही मैंने क्लीनअप किया था, पेडिक्योर किया था, मैनीक्योर किया था, सब खुद से ही किया था। तो यहाँ पर वही चल रहा है अभी, वो मेरा क्लीनअप करके देगी और बस उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ दो और चैनल हैं मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।